नमस्कार दगड़ियों, आप सब लोगों को स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल पप्पू ब्लॉग्स में। दोस्तों, एक नए सुबह की शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग के साथ, और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि गाड़ी वॉशिंग कैसी होती है अपने हाथ से। एक तो प्रेशराइज होता है, वो दूसरी बात है। आज मैं अपने हाथों से आपको गाड़ी एकदम क्लीन करके दिखाता हूँ। बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप पप्पू ब्लॉग्स में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, आप बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि पप्पू ब्लॉग्स के आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। निकालते हैं इनके मैट, ठीक है, मैट में, क्योंकि हमारी जो देखो हमारी मैट इतनी गंदी हो रही है। पहले इनकी सफाई करता हूं मैं, पहले इनको एक एक करके इनको निकालना पड़ता है, और उसके बाद फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। होगी, हो गई। हाँ दगड़ियों, मैंने अंदर की सफाई तो कर दी, और अब मैं यहाँ से बाल्टी से पानी ले जा रहा हूँ, उसके बाद मैं अपने मैट की सफाई करता हूँ। और आप देखिए, थोड़ा काम तो होता है दोस्तों, आप मेरे टिप्स को देखते रहिए, बहुत चंद मिनटों में गाड़ी की सफाई कर देता हूँ मैं। ये हमारे मैट है, देखिए, है ना, ये हो गया। अब इसमें हमें चाहिए, क्या चाहिए इसको साफ करने के लिए? ब्रश? नो, ब्रश नहीं। अब इसमें हमें चाहिए शैम्पू। शैम्पू, अब शैम्पू में लाया तो था दोस्तों, अब मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ है। आई थिंक शैम्पू मिल जाएगा मुझे जल्दी ही। ये देखिए, एक पाउच है, और इसको हम सीधे फाड़ के यहाँ इसमें डाल देंगे ऐसे, ठीक। अब इसकी जो है, हम इसको थोड़ा झाग बना देंगे इसका। ये देखिए, ऐसा झाग बना के उसके बाद हमारे पास जो कपड़ा है उसको भिगाएंगे, उसके बाद इसमें हम मारेंगे कपड़े से, इसकी सफाई करेंगे फैसला ठीक से, ठीक है, खींच के रखो, आप खींच के रखो। ये देखो तो खड़ी हो, थोड़ी साफ़ सफाई होता है, गाड़ी की साफ़ सफाई होनी चाहिए ना, क्योंकि थोड़ा बीच में बारिश हो गई थी, तो उसके चलते गाड़ी में बहुत कीचड़ आ गया था पैरों से। और अब ये देखिए, सफाई में लगा हूँ मैं। ये देखिए, अब ये हमारा सफाई का काम हो चुका है ये वाला, और नेक्स्ट पार्ट में मिलता हूँ मैं। हो गया? हाँ, मुझे दिखाते रहो, दिखा रहा हूँ। ये देखो दगड़े, मैंने बाल्टी भर ली पानी से, और इसमें हम पहले एक बार सादा पानी मारेंगे सीधे। ये देखिए, सादे पानी से छुट्टी की गाड़ी जो है बहुत धूल खाई हुई है, ये हमारी धुल गया। और उसके बाद हम दूसरी बाल्टी भरने को जा रहे हैं, दूसरी बाल्टी लाएंगे, और फिर इसमें हम फुबारा मारेंगे ऐसे। ये पावर बॉस से भी तेज है, ये पावर बॉस से भी तेज है। क्या करें यार, बहुत तेज मारना पड़ता है इसमें, तब जाके मिट्टी निकलती है गाड़ी से। उसके बाद फिर मुझे अभी कुछ और बनाना है, लिक्विड, तब जाके होगा। ये देखिए देखो, गाड़ी काफ़ी ख़राब हो रही है, और अब मैं फिर तीसरी बाल्टी में अब हम बनाएंगे घोल। घोल की चीज़ का होगा, घोल हमारा क्लिनिक प्लस शैम्पू सैन सिल्क, दो तीन प्रकार का मिश्रण शैम्पू का बनाया जाएगा, जिससे गाड़ी हमारी शाइनिंग में आएगी। ये देखिए, एक तो यहाँ पे गिरा था हमारा, ये उठा लिया मैंने, यह है शैम्पू, इसको ताड़ेंगे हम, इसमें डाल देंगे। नेक्स्ट एक हम और लेके आते हैं, इसका पता चल गया। ओके, ये देखिए दगड़ो, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हो एक ही शैम्पू यूज करते हैं गाड़ी धोने में। देखो, हमने इंसान नहीं धोना है, इंसान के बाल नहीं धोने हैं, हमने धोना है गाड़ी को धोना है। तो इसमें आप अलग अलग प्रकार के शैम्पू एक बार यूज़ करके देखो गाड़ी की शाइनिंग, उसके बाद कहना कि यार हमने क्या ट्रिक बताई। मैं जब भी आता हूँ दो दो तीन तीन शैम्पू अलग अलग प्रकार के लाता हूँ, ताकि गाड़ी मेरी शाइनिंग रहे और चकाचक रहे, ठीक छो। अब फिर इसको मैं झाग बनाने चालू हो गया हूँ, कैमरा मैन थोड़ा झाग दिखाइए। ये इस तरीके से झाग हम निकालेंगे अपना रुमाल दुपट्टा, ये हमारे गाड़ी का तौलिया है, इससे अब हम इसमें वॉश करेंगे। जैसे हमने ये ले लिया एक, ये ठीक हो गया। ये देखिए दो प्रियो, सीधे हम ऐसे शाइनिंग गाड़ी में ज़बरदस्त शाइनिंग आती है। अगर आप दो दो तीन तीन प्रकार के शैम्पू यूज़ करते हो तो गाड़ी में बहुत खतरनाक शाइनिंग आएगी। ये देखिए दो प्रियो, बने रहे मेरे साथ वीडियो में, और पप्पू ब्लॉग्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन, बगल पे बेल आइकन होता है ना हमारे दाई साइड, उसको
को प्रेस करना ना भूले ताकि पप्पू ब्लॉग से आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। ये ऐसे इसको वॉश करना होता है, पहले शैम्पू से, अलग अलग शैम्पू से इसको वॉश करिएगा आप। ठीक है दगड़ियों, मैंने इसमें अलग अलग प्रकार के शैम्पू से इसको अभी पूरा वॉश कर लिया है। अब इसमें केवल हमने पानी डालना है, घपा घप करके पानी डालना है, बहुत ज़्यादा। इसमें लगभग हम अभी जो है 10 से 15 बाल्टी पानी डालेंगे और उसके बाद बहुत अच्छी ये शाइनिंग में आ जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।